वर्तमान का दौर इंटरनेट का दौर है। इस समय इंसान अपनी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं गूगल पर ही निर्भर रहता है। इंटरनेट के जरिए शॉपिंग, दवा, गाड़ी, खाने की बुकिंग इत्यादि इंटरनेट के जरिए ही करता है। आज के समय में इंटरनेट लोगों की कमाई का भी साधन बन चुका है। इंटरनेट से होने वाली इस कमाई को ही डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। ऑनलाइन आप किसी भी चीज़ या सेवा को लोगों तक पहुँचाइए, यही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। इस डिजिटल मार्केटिंग में तेजी से नाम कमाने वाला एक नाम है उपेंद्र राणा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ना जाने अभी तक कितने ही छात्र छात्राओं को डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में भविष्य बना चुका है और अभी भी ना जाने कितने ही युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगा। उपेंद्र राणा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप भी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपना करियर बना सकते हैं। आज उपेंद्र राणा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग एलुमनाई मीट 2 का आयोजन किया गया, जिसमें यहां से अपना करियर बना चुके पुराने बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने नए छात्र छात्राओं को अपने अपने एक्सपीरियंस बताए और बताए कि किस प्रकार से उपेंद्र राणा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बच्चों का भविष्य साकार करने में मदद करता है। इंस्टीट्यूट के संस्थापक उपेंद्र राणा के साथ डायरेक्टर शैली तोमर राणा ने आए हुए बच्चों को सम्मानित किया, जिसमें दीपक यादव, विनय भारद्वाज, हिमांशु भारद्वाज, अंकित भारद्वाज, विक्रांत आनंद मोहन, विकास आदि बच्चों को प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से बात करते हुए संस्थापक उपेंद्र राणा ने बताया कि लगातार ही उपेंद्र राणा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन बच्चों को करियर को बनाने का काम करता है जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने की चाह रखते हैं, जिससे कि उनके भविष्य में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, साथ ही एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर सकें। आज उपेंद्र राणा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग एलुमनाई मीट 2 का आयोजन कर हमने उन सभी बच्चों को बुलाया है और सम्मान किया है जो यहां से अपना करियर बना चुके हैं और अच्छे मुकाम पर हैं। नए बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के साथ उनके सवालों के जवाब भी दिए। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र राणा के साथ ये सभी लोग। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मेरा उपेंद्र राणा है, मैं इसका CEO मैं यहाँ पे उपेंद्र राणा ट्रेनिंग में हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसमें कैसे कैसे प्रकार के होते हैं SEO, SMO, PPC, ORM, उसको आपके सीखो की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उसका बच्चों को हम यहाँ प्लेसमेंट भी कराते हैं। हमारे यहाँ से अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो 99% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, हर बच्चा प्लेस्ड हो रहा है, एक दो को छोड़ के सारे बच्चे प्लेस हुए हैं। तो यहाँ पे हम सर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। आज जो हमने एक रखा है वो डिजिटल एलुमनाई है, तो दूसरी बार आयोजित की जा रही है ये, और इसमें ये होता है कि उनके पुराने स्टूडेंट जो यहाँ से जा चुके हैं उनको हम बुलाते हैं, आमंत्रित करके दोबारा उनसे बुलवाते हैं कि आपको यहाँ कैसा रहा फीडबैक, आप फिलहाल आप क्या कर रहे हो, ताकि जो नए बच्चे हैं, जो नए वो हैं, उनको ये ना लगे कि ये लव सर कहीं गुमराह नहीं कर रहे हैं, उनको रियल जो वर्ल्ड में जो बच्चा काम कर रहा है, जो यहाँ से पढ़ के जा चुका है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जब हम यहाँ से पढ़ के गए थे और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, ये हमने मुकाम हासिल किया। तो वो है रही बात मेकर ब्रांड्स की, तो वो हमारा दूसरा वेंचर है, उसमें हम IT कंपनी चलाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सर्विस है, ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को, सर्विस को आप प्रमोट कर सकते हो, चाहे आप न्यूज चैनल को ले लीजिए, जिसको प्रमोशन करना है तो उसको भी आप कर सकते हो, सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे बड़े बड़े आज तक जैसे चैनल ले लीजिए, वो भी क्या करता है कि अपने आपको लाइव लेके आता है फेसबुक पे, ठीक है। तो जितने से बड़े से बड़े चैनल के नाम को लाइव आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है, क्योंकि हर उसका जो ऑडियंस है, उसकी जो व्यूअर्स है, सारी सारी अब सोशल मीडिया पे आ गई है, ऐप आ गई है डेली हंट टाइप की, तो वहाँ पे भी देखो आप बंदे आजकल पेपर लीजिए, डेली हंट पे अपना न्यूज़ पढ़ना पसंद करते हैं। तो डिमांडिंग ऐसा क्षेत्र है सर, अपना बिजनेस हो गया, अपना प्रोडक्ट हो गया, मेकर ब्रांड्स एक वेबसाइट भी है उसकी, makerbrands.com के नाम से, ukendrana.com के नाम से वेबसाइट है, उस पर जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 8130567861 पे, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो कॉल करके, व्हाट्सएप करके। तो और हम साथ में साथ जो बच्चे मतलब स्ट्रगल करते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और मैं यहाँ से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे जब स्टार्टिंग पे आया था तो मेरे को पता नहीं था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अब भी बहुत सारी कंपनियां हैं और इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, लेकिन उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई है। आप लक्ष्मी नगर चले जाओ, GTV नगर चले जाओ, वो लाख लाख रुपये ले रहे हैं। अब उससे एक तरीके से ये डिग्री दे दी गई है और जो हंसराज कॉलेज है वो भी करवा रहा है इस चीज़ को, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वो आपका टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, एक एक साल करवाते हैं, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल कम होता है, थ्योरी ज़्यादा होती है। मैं यहाँ सर के पास आया तो यहाँ प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी मिली मेरे को, दोनों चीज़ अच्छी लगी, तो सर ने बहुत गाइड करा, सीखने भी काफ़ी मिला। इनके रहते रहते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, SEO में भी सीखा, SMO में भी सीखा, इन्होंने मेरे को बताया कि हाँ भाई तेरा SMO में ज़्यादा फील्ड अच्छा है, तो वो कर सकता है, तो मैंने फिर उसे आगे प्रोसीड करा,
तो SEO और SEO मैं दोनों में अच्छा कर रहा हूँ, और नोएडा कंपनी है नक्शी वाला, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, और वो इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी है। तो थैंक्स टू सर जो उन्होंने सिखाया कि आज हम कुछ कर पा रहे हैं। मैंने यहीं पे सीखा है उपेंद्र सर से, और मैंने स्टार्ट किया था अपना SEO में कि मतलब मुझे सर ने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी थी, और यही है सर का कि वो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि बस थ्योरीज पढ़ा दी। तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमें आगे फ्यूचर होगा हमारा। तो वही सर ने हमें बहुत अच्छा सिखाया, और अभी मैं मेरी प्लेसमेंट अग्रेगा टेक्नोलॉजीज में मैं वर्क कर रही हूँ, और मुझे वहाँ पे 1.5 साल हो चुका है वर्क। उपेंद्र राणा सर अपनी डिजिटल मार्केटिंग क्लास में इतने अच्छे से बच्चों को सिखा रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि इतने सारे बच्चे खुश हैं उनकी पढ़ाई से, और वो उनके लिए फोकस है, और उनकी एक अपना जो अपनी लाइफ है वो सेट कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कोई बच्चे अपना दिशा ढूंढ पा रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, अभी जो मेरी जॉब है वो मुंबई बेस्ड जॉब है, तो अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं घर से करता हूँ, और जो मेरी कंपनी का नाम है वो पार्टनर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो उनके बेसिकली गेमिंग की वेबसाइट्स हैं, तो मैं एक spartanpoker.com संभालता हूँ। और इंस्टीट्यूट से क्या अलग है इंस्टीट्यूट से जो अलग है, यहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग मिलती है, और जो आपको लाइव ट्रेनिंग मिलती है, और बाकी जगह क्या होता है आपको खाली थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा देंगे बस, बट यहाँ पे आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कराएंगे, उसके बाद आपको आपके टेस्ट भी होंगे रेगुलरली, आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है टाइम टू टाइम, और उसके बाद सर आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करते हैं। सर मेरा नाम आकाश कुमार है, और मैं इसी दिन 3 दिसंबर के ही दिन आज के दिन ही मैं 1 साल पहले सर से जुड़ा था, और सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है। मैं सर ने हमें बहुत ही हमसे मतलब प्रैक्टिकल का वो कराया, और मैं एक फाइल बॉय के तौर पे काम करता था, लेकिन सर ने मेरे दिमाग नहीं सिखाया उसके बावजूद, फिर जब मेरा मोटिवेशन डाउन हुआ सर ने मेरा उसमें काफ़ी साथ दिया, मेरे इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे थे, सर ने जब भी हिम्मत नहीं आ रही सर ने मेरे पे पूरा भरोसा दिया, ताकि मैं आत्मविश्वास अपना हार चुका था कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, लेकिन सर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, सर मेरे साथ लगे रहे, और जहाँ जहाँ मेरा इंटरव्यू होता था सर मेरे को समझाते थे। एक तो उपेंद्र राणा जी यहाँ स्टूडेंट को ऐसे स्टूडेंट नहीं अपने मतलब दोस्तों की तरह पढ़ाते हैं, बात आप देखेंगे सभी विद्यार्थियों से पूछेंगे आप, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लेकर मतलब एक कोर्स को कोर्स की तरह ना लेकर ये ऐसे एक खेल की तरह तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें लाइव एग्जांपल देते हैं, तुम्हें हर चीज़ की एक्टिविटी मतलब आप देखेंगे आप प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो मैं यही चाहूँगा कि बहुत आगे बढ़े और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और काफ़ी धन्यवाद कहना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। और उस समय उस दौरान मुझे उपेंद्र सर का साथ मिला, कदम टकमगा से गए थे, उपेंद्र सर ने मुझे संभाला, मैं यहाँ पे आया तो उपेंद्र सर ने मुझे SEO के बारे में बताया, डिजिटल मार्केटिंग का क्या ब्राइट फ्यूचर है उसके बारे में उस समय उन्होंने मुझे बताया, और उपेंद्र सर का जितना गुणगान करूँ उतना कम है।